तो दोस्तों नमस्कार। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो टॉयलेट है, लेटरिन सीट, इंडियन लेटरिन सीट, वो पूरी चोक हो गई है। हाँ अभी देख रहे हैं यहाँ पे तो पानी डालने के बावजूद भी पानी नहीं निकल पा रहा उसमें। इसमें 2-3 बाल्टी पानी डाल दिया, मगर धीरे धीरे जा रहा है ये। तो अब इसके लिए हमें क्या उपाय करना है वो अभी हम देखते हैं आगे। आपको उसके लिए क्या करना है, एक बोतल ढूंढनी है। जैसा आप देख रहे हैं ऐसी बोतल आपको ढूंढ लेनी है और एक ऐसी लकड़ी। अब इस बोतल को क्या करना है, इधर इधर आप ये वाली बोतल ले, इसको क्या है यहां से काटना है। ऐसी काट ली उसको, उसके बाद में इसमें ऐसे उसको अच्छे से फिरा लेना है टाइट, और टाइट बांधना है ताकि ये निकल ना सके, अन्यथा ये भी फंस जाएगी उसमें। ये बताओ, इसको ऐसे अच्छे से तार वाइंडिंग या फिर आपके पास में अच्छी रस्सी हो और रबर, अब ऐसे आपने इसको बांध ली, उसके बाद में आपको उसमें अंदर जाकर ऐसे प्रेस करना है अंदर बाहर। उससे क्या रहता है कि अंदर जो भी मटेरियल कचरा जमा है, देखो ये पूरा निकल जाएगा। आपको ऐसे बार बार करना है, ये देख लीजिए। अब ये पूरी फ्री हो गई है, ये पूरी पूरी फ्री हो गई है। आप ऐसा करके अपनी जो चौक लेटरिंग हो जाती है उसको आप फ्री कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है इसका, अगर ये वाला जो सिस्टम अपन ने बनाया है, ये वाले सिस्टम को बनाने के बावजूद भी अगर नहीं निकल रहा है, तो इसमें एसिड की बोतल आती है जो हार्डवेयर या फिर किराना की दुकान वहां पे मिल जाती है, तो वहां से लाके पूरी बोतल को आप टॉयलेट की सीट में डाल दीजिए। तो उससे क्या है कि जितनी भी चोक हुई या फिर उसमें गंदगी फंसी है वो सब क्या है कि फ्री हो जाएगी और आराम से पानी निकल जाएगा। एक तरीका और है उसमें कि अगर आप की ये चोक हो गई है टॉयलेट, तो उसमें कास्टिक सोडा आता है हार्डवेयर की दुकान पे या किराना की किसी भी बंसारी की दुकान पे चले जाइए, तो वहां पे कास्टिक सोडा आता है। कास्टिक सोडा के लाकर एक पॉलीथीन में, उससे आप इसमें डाल दीजिए, तो उससे भी ये पूरी टॉयलेट आपकी क्लीन हो जाएगी। तो ये 2-3 तरीके हैं, आप अजमा कर जरूर देखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि पूरी टॉयलेट हमारी फ्री हो गई है और बिल्कुल भी अब उसमें पानी नहीं रुक रहा है। तो ये वाला आज आप अजमा कर जरूर देखिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।